कॉपी ऊपर सबने लिखनी है, ठीक है? उसके बाद भी चाहिए क्वेश्चन आंसर्स, क्लियर है? लिखो, जंग हिंद पंजाब दा होन लगा, जंग युद्ध, लिखना इतने, जंग हिंद पंजाब दा होन लगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन राइट? देखो ये थोड़ा पैरा है, ठीक है? ये जंगनामा विचों लिया गया, वैसे तो आनो ये नहीं पूछा जाएगा कि ये काफी तरह कितनों लिए गए हैं, क्योंकि कितनों भी आ सकता है, और जेदे जेदे बारे में नो पता है वो मैं थोड़ा दास सकती हूँ, ठीक है? ये काफी तरह लिए गए हैं जंगनामा सिंगा ते फिरंगिया विचों दी, लिख सकते हो, ठीक है? जंगनामा सिंगा ते फिरंगिया ओदे विचों दी लई गई है, ठीक है? और शाह मुहम्मद इहदा राइटर है, कवि, क्लियर है? ए जिहड़ा जंगनामा है ए रियल दे विच सी अंग्रेजां दे विचकार ते जदों महाराजा रणजीत सिंह दा टाइम सी। महाराजा रणजीत सिंह दा टाइम कदों दा सी? सिंगा ते फिरंगिया। फिरंगी मीन्स अंग्रेज, ठीक है? तो ओदे विच्चों दे हे जड़िया सत्रह ने लिया गई ने। शाह मुहम्मद इहदा कवि है, ते ए जो महाराजा रणजीत सिंह दा टाइम सी, आई थिंक 18th century राइट? ओदो की सीगा, पहला देखो अंग्रेजा दा सी टाइम पूरा, ठीक है? उस तो बाद विच फिर महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब उत्ते बहुत वधिया राज किया सी, बहुत अच्छे राजा हुए सन, ठीक है? इंसाफ पसंद जिन्होंने आप कहने उन्होंने उन्होंने मौत हो गई, उस तो बाद जेड़ा उन्होंने राजपाट सीगा वह सारा बिखर गया, खेरू खेरू हो गया। मुहावरा ना खेरू खेरू होना मतलब कि ओदा बिखर गया, अलग अलग हो गया, क्योंकि एक लीडरशिप चंगी नहीं सी जिदे करके सारा ही जड़ा उन्होंने राजपाट सीगा। फिर कुछ इदा के उन्होंने कह लो कि जासूस थे जो अंग्रेजा न जाके मिल गए सन, ठीक है? इन्होंने दोनों के उन्होंने सारी उन्होंने प्लानिंग दस दी कि सिख इदा कर रहे हैं या खालसे दौजा इदा कर रही ने, तो उन्होंने ऑलरेडी सारा पहले ही प्लैनिंग करके रखी हुई सी। फिर जिते लिखा है ना फौजा जित के अंत न हारिया ने, मतलब कि जेडे महाराजा रणजीत सिंह की फौज थी वो जित रही थी, एंड मूवमेंट तक जित रही थी, पर एक इन्हों का बहुत जरा कि बहादुर सिपाही है वह मर गया सीगा, तो एंड में हार गए थे, जित के अंत नूं हार गए सी। उस टाइम दी ये लिखी हुई इन्हां दी एक पोएम है, जंगनामा इहनूं बोलदे आ, ठीक है? तो सरकार इहदे विच है महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है? अंडरलाइन करी जायो, पहला पहला क्वेश्चन लिखो, जंग दा की अर्थ है, फर्स्ट क्वेश्चन। जंग दा की अर्थ है, ऑप्शन हो सकते हैं प्यार, लड़ाई, कबड्डी या गुस्सा। लड़ाई, सही आंसर भी लिख सकते हो, अगर किसी ने ऑप्शन लिखनी है तो ऑप्शन भी लिख सकते हो, राइट? सही आंसर लिख लो। सेकंड, तेगा मारनिया का अर्थ दसो, तेगा मारनिया, तेगा मारनिया का अर्थ, ऑप्शंस बोल दिनी है गुरसिमर, तेगा मारनिया, गुड,
ओके ऑप्शन सुन लो, डर जाना, भज जाना, बहादुरी विखाना, बहादुरी विखाना, ठीक है। तेगा मारनिया का अर्थ है बहादुरी दिखाना। वैसे तेग किनू कहते हैं? तलवार। वैसे अगर तेग का मतलब भी लिख लो, तेग का मतलब होंगे तलवार, ठीक है, अगर आजवे पैरे दे विचता। ते तेगा मारनिया मतलब तलवार नू बहादुरी दे नाल चलाउणा। डन, नेक्स्ट। सरकार किसनू कहा गया है? सरकार किसनू कहा गया है? पता तो सब कुछ है, तामी अपने नंबर गए। फिर भी मैं थानू दस देना, जिथो जिथो मेनू क्लियर क्लैरिटी है वो तो मैं थानू करांगी ना श्योरिटी। पेपर भी ऐदा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल भी कर रहे हैं, पर आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी तो लई है ना जिथो मिल रही है सानू, राइट। हुण पेपर विच तो थानू ये भी नहीं पूछा जाएगा कि काव्य सत्रा कित्थों लईआं गईआं हन, ठीक है, वो भी नहीं पूछा जाएगा। हुण जिस तरह पेपर विच उत्थे आ गया एदां मजदूरां दी झाकी वेखो, हुण मोस्टली बच्चों ने की किया होया, उन्होंने मजदूरां दी झाकी वेख नूं ही किया होया। पोएटिकल है लैंगुएज, उहदे विच क्लीयर कट आंसर कदी नहीं मिलेगा तुहानूं, ठीक है, उह थोड़ा जिहा उहदा डीप मीनिंग ही होएगा। सो इहना सोचो भी सिद्धा सिद्धा लिखा होया, पहला पैरे नूं पढ़ो, उहदा मीनिंग समझो, फिर आंसर दो, ठीक है। एक भाव अर्थ हुंदा आ, एक भाव हुंदा आ, इहनां दोनां च फर्क की हुंदा? एक भाव हुंदा है, ठीक है, कि मान लो जंग दा भाव दसो, राइट, ओ ता हो गया मीनिंग। एक हुंदा है भाव अर्थ, फीलिंग, गुड, कि असी पैरे नू पढ़ के आपा ओदा की मीनिंग कढ़दे हां, कंक्लूड कह लो, जिस तरह निचोड़ कह लो हमदर्दी दा है। जिस तरह आपा कुल्फी कहानी पढ़ी है ओदा अंत किस तरह दा सीगा, ओही मतलब है कविता दे विच भाव अर्थ। हुण इहदा भाव अर्थ की निकलेगा? दलेरी वाला, डिपेंड करदा ऑप्शन किस तरह नहीं आनियां, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग किन्हां विचकार होण लगा? जंग किन्हां विचकार होण लगा? पर इहदे अकॉर्डिंगली राघव पैरे दे अकॉर्डिंगली, वो तो तुहानू पता है कि अंग्रेजां दे विचकार ते सिंघां दे विचकार जंग किन्हां विचकार होण लगा? किन्हां विचकार? हिंद पंजाब। ऑप्शन आ सकदियां ने पाक चीन, पाक मतलब पाकिस्तान, सेकेंड हो सकती है पाक हिंद, थर्ड हिंद पंजाब, कोर्ट पंजाब से पाक, हिंद पंजाब, हिंदुस्तान से पंजाब। और हिंदुस्तान से पंजाब क्यों क्या उन्होंने? वेरी गुड, हिंदुस्तान विच पूरे भारत विच अंग्रेजा दा राज सी, जबकि पंजाब विच महाराजा रणजीत सिंह दा, इसलिए हिंद पंजाब क्या गया। नेक्स्ट, फोर्थ, फोर्थ है कि फिफ्थ है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह मोहम्मद अनुसार, शाह मोहम्मद अनुसार केड़ियां फौजां जित के भी हार गईयां सन? ऑप्शन सुन लो एक बारी, शाह मोहम्मद अनुसार केड़ियां फौजां जित के भी हार गईयां सन? अंग्रेजां दी, मराठियां दी, खालसे दी, खालसे दी। हो गया, अगे लिखो सने शब्द का अर्थ। सने, सने
ए तो सेम ही है साथ नाल। ऑप्शन कर सकते हो बिना, नाल, उपरों, हेठा ते नाल, सने हुंदा नाल। बाजो शब्द का की अर्थ है? आदमी बाजो का लास्ट, पिछो नहीं, बाजो। बिना बिना बिना, ओनली बिना। बाजो शब्द का की अर्थ है? एक ना जे थोड़ी वोकैबलरी थोड़ी वास्ट हुंदी तां मोस्टली बच्चों का लासा वाला जेड़ा है वो गलत ना होंगे। लास्ता वाला भी ऐसे केड़े सेट विच सी? एच एच सी लास्ता। सलाटा तो की भाव है लास्ता, वो जिन्होंने तो पता सी उन्होंने कर दिता, जिन्होंने गैस मारिया होएगा लकली उन्होंने सही हो गया, कई गैस गलत हो गया। सलाटा मतलब लास्ता जड़िया पिछे चाबुक के नाल नहीं मारते, वो पिछे लास्ता नहीं पै जाती, उन्होंने बोलते हैं हाँ निशान, उन्होंने बोलते लास्ता। तो अपने लिए जी वोकैबलरी है उन्होंने भी थोड़ा इंक्रीज कर लो। हाँ जी वो फिर थोड़ी किस्मत नहीं। जी